दोस्तों, जो अमेरिका पूरे दुनिया को दबाकर रखता है अपने डिफेंस कैपेबिलिटी की वजह से, और जिसने 1945 में जापान पर एटम बॉम्ब गिराकर उसे पंगू बना दिया था, वो जापान आज एडवांस फाइटर जेट बना के एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, जिसे देखकर अमेरिका भी दंग रह गया है। जो जापान अभी तक मिलिट्री नहीं रखने की बात करते आया था, वो अब हालिया घटनाओं को देखते हुए हथियारों के दौड़ में कूदने को तैयार हैं। खासकर जापान फाइटर जेट्स बनाने की तैयारी कर रहा है और प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां उसके साथ आ गई हैं, और इस कॉम्बिनेशन को देख कई देशों की सांसें फूल चुकी हैं, खासकर अमेरिका, फ्रांस, रूस, जो अपने आप को डिफेंस सेक्टर के बादशाह मानते आए हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डेवलप्ड देश की एक बहुत बड़ी कंपनी भारत के साथ मिलकर काम करने को राजी हो गई है, जिसे अगले वीडियो में जानेंगे। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके हे इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें ऐसी ही वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आई कि जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए फाइटर जेट्स यानी कि लड़ाकू विमान दूसरे देशों को बेचने का फैसला लिया है, जिसमें जापान की ओर से भारत को डिस्काउंटेड प्राइस में फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि जापान ब्रिटेन और इटली की मदद से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है, क्योंकि इटली और ब्रिटेन के पास फाइटर जेट्स को डेवलप करने की एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों के पास भी नहीं है, और इसीलिए जापान जो फाइटर जेट डेवलप कर रहा है उसे खरीदने के लिए बड़े बड़े देश जापान से डील को फाइनल करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत को अब डिस्काउंटेड प्राइस में फाइटर जेट्स जापान से मिलने वाले हैं, जो कि हमारे डिफेंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कामगार साबित होने वाले हैं। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो इसके मुताबिक जो जापान अभी तक फाइटर जेट्स और मिसाइल जैसे हथियारों से दूरी बनाए हुए था, अब वही जापान दूसरे देशों में फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया है, और इसके लिए जापान इटली और ब्रिटेन के साथ मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन करने जा रहा है। और आपको बता दें कि जापान जिन फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन पर काम कर रहा है, ये कोई मामूली और छोटे मोटे फाइटर जेट्स नहीं है, बल्कि ये फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट्स है, जिन्हें इटली और ब्रिटेन की एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो अब जापान भी ग्लोबल मार्केट में आर्म्स एक्सपोर्टर बनने जा रहा है, और इसमें भारत को जापान की दोस्ती का बढ़ चढ़कर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पिछले साल की रिपोर्ट को देखें तो भारत और जापान के बीच ऑलरेडी $21.6 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड हुआ है, जिसमें लगभग $16 बिलियन के आइटम्स तो जापान ने भारत में अकेले एक्सपोर्ट किया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलरेडी भारत जापान से अपनी जरूरत की ढेर सारी चीजें इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में जापान जो नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, जापान उसे भी भारत को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करेगा। और आपको बता दें कि जापान जो फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए जापान कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि जापान अब स्पाई शिप्स के कम्युनिकेशन एंटीना की टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे भारत अपनी नेवी पावर को और भी ज्यादा मजबूत कर सके और बैलिस्टिक मिसाइल और खतरनाक हथियारों पर नजर रख सके। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जापान ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर रहा हो, जहां स्पाई शिप्स के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की शुरुआत हुए एक महीने भी नहीं हुए कि अब जापान खुद के द्वारा डेवलप किए गए फाइटर जेट दूसरे देशों में बेचने जा रहा है, जिसमें भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि जापान की टेक्नोलॉजी पर दुनिया के सभी देशों को इतना भरोसा है कि भारत के साथ साथ अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने भी जापान में डेवलप किए जा रहे फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटे हुए हैं। और देखा जाए तो भारत के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी और वियतनाम को लेकर लगभग 15 देशों ने जापान के साथ
डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है, यानी कि जापान में डेवलप किए जा रहे फाइटर जेट को खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट जैसे डेवलप्ड देश लाइन में खड़े हैं, जो कि खुद इस समय 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। और हैरानी वाली बात यह है कि ये जो फाइटर जेट है, इन्हें AI की टेक्नोलॉजी से भी लैस रखा जा रहा है, जिसकी यही क्वालिटी अन्य देशों के फाइटर जेट से यूनिक बनाती है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह फाइटर जेट कितने ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जापान सबसे पहले जो फाइटर जेट डेवलप करेगा, वह भारत को ही एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये पर भारत हमेशा आपत्ति जताता रहा है। और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जापान भारत एक स्वाभाविक साझेदार देश है। और वैसे भी इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत और जापान ने हमेशा साझा विचार व्यक्त किया है, तो ऐसे यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए भारत जापान का मजबूत संबंध भारत और जापान के बीच फाइटर जेट की डील के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि अगर जापान भारत को फाइटर जेट देता है, तो भारत और जापान मिलकर इस क्षेत्र की आसानी से रक्षा कर सकेंगे। यही नहीं, इसके अलावा करेंटली जापान में जो फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं, वह फाइटर जेट्स भी भारत में एक्सपोर्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जापान भले ही डिफेंस के इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को नहीं देता, लेकिन इसके प्रोडक्शन के मामले में जापान अन्य सभी देशों से कई गुना आगे है। क्योंकि फाइटर जेट के कुछ इक्विपमेंट ऑलरेडी जापान अमेरिका की कंपनियों के साथ मिलकर डेवलप करता है, और यदि जापान के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट के मेन रीजन की बात की जाए, तो अब जापान भी ग्लोबल मार्केट में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, जिससे जापान के इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार पहले से और ज्यादा हो सके। और जापान की इकोनॉमी में भी इससे एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलने वाला है, और जापान की डिफेंस इंडस्ट्री की पहचान भी भारत, अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में बनने जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी जापान का दूसरे देशों में हथियारों को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखा जाए तो दूसरे देशों में हथियारों के एक्सपोर्ट करना जापान के संविधान के भी खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद भी जापान अपने संविधान के खिलाफ दूसरे देशों में हथियारों की सप्लाई करेगा। जापान ने बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव, खासकर पड़ोसी चीन के बढ़ते रवैये के कारण जापान ने तेजी से नियंत्रण मुक्त करने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि चीन दूसरे देशों में कब्जा करके अपना प्रतिनिधित्व जमाने का प्रयास करें। इसीलिए जापान केवल उन्हीं देशों को फाइटर जेट और हथियारों की सप्लाई करने वाला है, जिनके साथ जापान के रिलेशन काफी अच्छे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।